साहब एग्जिट पोल आ गए हैं, तमाम जो है एनडीए के बारे में बताया जा रहा है 350 पार 400 के नजदीक, राकेश टिकैत साहब क्या मानते हैं? देखो हमने तो पहले कहा था जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे, वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उन्होंने कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो ये समझ में नहीं आ, जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीन ने जैसे इलेक्शन हो गया वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो उसमें, उसमें सेल डले बैटरी डले जो कुछ कर्म कांड हो सारा वहां से हो जा, कौन सी मशीन कहाँ जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा, कौन सी मशीन कहाँ जानी कितने उसमें जातीय समीकरण है क्या है क्या कहाँ का माहौल है भाई। जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके, वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है उसमें। चौधरी साहब आपका मानना ये है कि जो तमाम भाई सब कुछ है, हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा जहाँ पर बड़ोत में हम है यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे आ रहे सहारनपुर में, यहाँ पे बिजनौर में उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे। तो ये यहाँ पे है ईवीएम और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे, लगातार जो एग्जिट पोल कह रहा है कि ये तीसरी बार जो आगे, इसमें आपको फिर साफ साफ धांधली नजर आ रही है क्या भाई? जनता वोट दे दी रही और सब कह रहे कि भाई जीतेंगे यही, ये हुनर गणित कौन सा है, गणित समझ में नहीं आया किसी की। ठीक है सर, आपने सातवें चरण के आसपास जो है आह्वान किया कि भाजपा को वोट नहीं देना, ये आह्वान नहीं, नहीं ये संयुक्त मोर्चे का पूरा वो है और सब लोग लगे हुए भी थे पहले, जिसको जहां देनी हो दे ले, लेकिन हरियाणा के लोग ने ये कहा कि आपने किसी के लिए कह दिया तो हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं था ना हमने किसी के लिए कहा, लेकिन उनको कुछ लगा होगा कि जो चौटाला परिवार है वे लड़ रहे थे, किसी ने पूछा पत्रकार ने जी हम या गांव के लोगों ने जी हम तो उसको वोट देंगे, मकाबे उसको दे लो। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।